ब्रिज मोहन योग चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूं कि कल एक बहन ने हमसे आग्रह किया कि उनका बांह मोटा हो गया है, तो आर्म्स के फैट को कैसे हम रिलीज करेंगे, उसके लिए अभ्यास मैं आज आपको कराऊंगा। 5-7 मिनट का अभ्यास होगा। और इसमें क्या करना है कि जो आप सीधा रखें हाथ को, आपको ताकत के साथ इसको मोड़ना है, पूरे ताकत के साथ मोड़िए। अब पूरा सांस भरते हुए खोलिए पंजे को, अब पूरा ताकत के साथ मोड़िए 5 बार। आप देखेंगे कि उंगली से लेकर के और कंधे तक, मैं यहाँ नज़दीक से दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो आर्म है, बांह है, ये इसमें आपको खिंचाव हो रहा है, मांसपेशियाँ सिकुड़ रही और फैल रहे हैं। तो यदि कंधे से लेकर के और ये आपका केहुनी तक के बीच की जो जगह है जिसको बांह कहते हैं, यहाँ पर यदि एक्स्ट्रा फैट जम गया हो, लटक रहा हो, तो इस अभ्यास को और खोलिए, पूरा खोलिए और ताकत के साथ उसको मोड़िए। 10 बार करिए इसको पूरे ताकत के साथ। तो बांह कितना भी आपका मोटा हो, लटक रहा हो फैट, वो 10 से 15 मिनट यदि रोज़ अभ्यास कर लें तो तुरंत वो रिलीज हो जाएगा। दूसरा अभ्यास करना है, पूरे ताकत के साथ हाथों को मोड़ना है, दोनों हाथों को मोड़िए। आपको ये मन में सोचना है कि आगे कोई स्प्रिंग है और उसको हम खींच रहे हैं ताकत के साथ, बजरंगबली का नाम लेकर के, क्योंकि बजरंगबली हमारे आइकॉन हैं, हमारे आदर्श हैं बॉडी फिटनेस के, पूरे संसार के लिए। पूरा ताकत के साथ खींचना पड़ता है, इसमें खींचिए। ऐसा सोचिए कि मैं जैसे हाथ छोड़ रहा हूँ तो स्प्रिंग अपनी जगह पे चला गया, फिर उसको खींचना है जोर जोर से। देखिए ये ताकत लगा करके खींचेंगे तो सोचिए कि कोई 20-50 किलो का वजन वाला चीज़ मैं खींच रहा हूँ ताकत के साथ। देखिए ये ताकत, देखिए ये कितना भी मोटा बांह है वो आपका ठीक हो जाएगा। वजन तो कम होगा ही बांह का, चर्बी तो गलेगी ही, आपके बाजुओं में ताकत भी आएगी। दूसरा अभ्यास है कि आप हाथ को सीधे ऊपर उठाइए छत की ओर और ताकत के साथ ऐसे मरोड़िए, नीचे ले जाइए फिर ऊपर ले जाइए। इसमें भी वही क्रिया हो रही है जो आगे से हम खींच रहे थे, इसमें ऊपर से खींच रहे हैं ताकत के साथ। आराम आराम से नहीं करना पड़ेगा आपको, 10 बार करिएगा तो लगेगा कि मैंने बहुत मेहनत किया है। ताकत के साथ खींचते हुए आइए, फिर ऊपर जा रहा है। ये देखिए, ये है बांह के चर्बी को गलाने वाला, ये बहुत ही परफेक्ट और अनुसंधान परक, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लगभग 20 वर्षों से भोजपुर ज़िले में योग के अभ्यासों को करा रहे हैं, कर रहे हैं, तो प्रतिदिन इसमें रिसर्च भी हमको मिल रहा है, अनुसंधान भी चल रहा है कि कौन से अभ्यास को किस प्रकार करने से कैसा रिजल्ट आता है। तो एक तरह से यह रिसर्च सेंटर भी हो गया है ब्रिजमोहन योग केंद्र भोजपुर ज़िले का। देखिए बहुत सुंदर अभ्यास। अब दोनों हाथ को आगे सटाइए, दोनों केहुनियों को, और ताकत के साथ खोलिए, वजन लेकर के खोलिए। सोचिए कि बांह पर वजन रखें 10-20 किलो का, खींचिए। ये सामान्य अभ्यास नहीं है, ये बजरंगबली के ताकत का अभ्यास है। दोनों केहुनी को सटाइए, देखिए इस प्रकार से अभ्यास को करिए, 10 बार खींचिए बांह पर। सोचिए कि क्योंकि बजरंगबली का हाथ ऐसे मजबूत नहीं था, वो एक तरफ राम जी को, एक तरफ लक्ष्मण जी को भी ऐसे खिलाते थे। देखिए ये ताकत, इस प्रकार जब खींचेंगे तो बांह के फैट को कम करने के लिए इतना ही काफ़ी है। सांसों के साथ करना है। देखिए कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा होगा, इसे बल की वृद्धि भी होगी, ये बल की वृद्धि करने वाला भी है और फैट को कम करने वाला भी है। तो आज मैं, एक बहन ने हमको ऐसा आग्रह किया था कि गुरु जी एक ऐसा वीडियो बनाइए जो हमारा बांह मोटा हो गया है वो कैसे पतला हो, तो आज मैंने आपको जो स्टेप दिखाया है
इसी स्टेप को आपको 5 मिनट प्रतिदिन करना है, तो आपको 5 से 7 दिनों में आपका बांह बैलेंस में आ जाएगा। तो आप सभी एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से और शेयर करेंगे। धन्यवाद।